हिंदू जागरण मंच ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए गए व्यंग्यात्मक बयान का कड़ा विरोध जताया है। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने दो टूक शब्दों में कहा है, यदि अरविंद केजरीवाल इस विषय को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते तो आगामी 6 अप्रैल को मंडी में प्रस्तावित उनकी रैली को किसी कीमत पर आयोजित नहीं होने दिया जाएगा। शुक्रवार को बिलासपुर के परिधि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमल गौतम ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वक्तव्य में कश्मीरी पंडितों के उपहास उड़ाने का काम किया है। जिस तरह उन्होंने इस विषय को लेकर असंवेदनशीलता दिखाई है, उनका यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंडी में एक राजनीतिक कार्यक्रम में आने वाले हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने विधानसभा में एक वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य में उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं का उपहास उड़ाने का काम किया है और जिस प्रकार का व्यंग्यात्मक उन्होंने व्यवहार किया है और जिस प्रकार का उन्होंने इस सारे विषय को लेकर के असंवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है वो स्वीकार्य नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये जो कश्मीरी फाइल्स में दिखाया गया है वो सब प्रोपोगेंडा है, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को कहना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की मानसिकता कहीं ना कहीं कुत्सित विचारों से भरी हुई है और केजरीवाल खुद जो है उस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है और जिन लोगों ने वो कृत्य किए हैं कहीं ना कहीं केजरीवाल जैसे लोग ही उनको जो है एक कवर फायर और शेल्टर देने का काम करते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम इन्होंने किया है। तो हिंदू जागरण मंच बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता है कि 6 तारीख को जो इनका कार्यक्रम होने वाला है, यदि केजरीवाल इस विषय के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक रूप से जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हिंदू जागरण मंच उनका कार्यक्रम नहीं होने देगा। देवभूमि हिमाचल में इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता वाले धूर्त लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन हिंदू हितों के ऊपर यदि कोई आघात करता है या तुष्टीकरण की राजनीति करने का प्रयास करता है तो उसको हिमाचल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदू जागरण मंच ने तय किया है कि 6 तारीख को हम संपूर्ण हिंदू समाज को लेकर के मंडी पहुंचेंगे और केजरीवाल का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।